आखिर खालसा राज में क्या खास है, खालसा राज धर्म समाज न्याय प्रणाली रोजगार सुरक्षा आदि में कैसा था, आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं। कुछ लोग खालसा राज शब्द से बहुत नफरत करते हैं। सबसे पहले जान लो कि खालसा राज किसी खास फिरके या खास समुदाय से नहीं जुड़ा है। कोई भी खालसा राज स्थापित कर सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, बस इन शर्तों को पूरा करता हो। खालसा राज का नाम एक बहुत बड़ी महान परंपरा का नाम है। खालसा राज महान असूलों का नाम है। वह असूल, वह परंपरा कोई भी समुदाय धर्म स्थापित कर ले, वही खालसा राज है। आइए अब खालसा राज की कुछ खूबियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, परंतु उनके राज में 87% संख्या जो फारसी में चिट्ठी लिख सकती थी और 78% ऐसी संख्या थी जो फारसी पढ़ और लिख सकती थी। लाहौर में सरकारे खालसा राज में पहली बार कुरान का अनुवाद पंजाबी गुरमुखी में किया गया। खालसा राज का मतलब है हलीमी राज, यानी कि अच्छा और न्यायपूर्वक इंसाफ देने वाला ऐसा राज जहां कोई बड़ा छोटा नहीं गिना गया, जहां कोई भी बेरोजगार नहीं था, जहां कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था, जहां झूठे मुकदमे नहीं होते थे, जहां किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के 40 सालों के राज में खालसा राज में कभी किसी धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ था। जहां लोग राजा की शिकायत करते थे तो राजा को भी 100 कोड़ों की सजा सुनाई जाती थी। खालसा राज में गुरमुखी का पहली बार प्रचार हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के राज में लोगों के साथ समान व्यवहार होता था, जहां सभी पर एक ही नियम लागू होता था, इंसाफ का नियम। खालसा राज में ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई को परेशान किया गया था। सिखों का राज होते हुए भी कभी किसी सिख ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं दबाया। जहां सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए, सभी धर्मों के ऐतिहासिक दिनों को लेकर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। उस राज में यूनानी और वैदिक तरीकों से इलाज किया जाता था, गरीबों को जागीरें दी गईं और बेरोजगारी को जड़ से खत्म किया गया। महाराजा रणजीत सिंह के काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और सभी नागरिक बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। धार्मिक स्थलों के नाम पर जागीरें लगाई गई, ऐसे अनेक कारण हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन खालसा राज सिख राज एक ऐसा राज था जिसके लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख कोई भी सभी बिना किसी लालच के उस राज की सलामती के लिए दुआएं मांगते थे। यदि वहां पर प्रजा गलती करती तो प्रजा के लिए भी वही सजा होती थी और राजा गलती करे तो राजा के लिए भी वही सजा होती थी। एक बार महाराजा रणजीत सिंह से बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए उनको श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर तलब किया जाता है। वहां पर बुला के महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़ों की सजा लगाई जाती है, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह संगत से और प्रजा से माफी मांगते हैं और अपनी 100 कोड़ों की सजा भी पूरी करते हैं। यदि इस प्रकार का खालसा राज कोई भी स्थापित करे तो वही खालसा राज कहलाएगा। वह कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ यही कि खालसा राजयोग के लिए लड़ता है, केवल राज के लिए नहीं लड़ता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो के संबंधी आप अपने राय और सुझाव जरूर बताइए।